X raised to power four minus six x cube plus sixteen x square minus twenty five x plus ten is divided by another polynomial. एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स प्लस ए फाइंड के एंड ए तो एक पॉलिनोमियल है जो कि फोर डिग्री है जिसकी इस पॉलिनोमियल को जब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है एक्स प्लस से तो इसमें अब के और ए जो डिवाइजर है उसमें के और जो रिमेंडर आ रहा है उसमें ए की वैल्यू क्या होगी इसे फाइंड करना है सॉल्यूशन बाय डिवीजन एल्गोरिदम डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर तो डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर अब रिमाइंडर को इस तरफ ले आते हैं तो डिविडेंट ये प्लस में था इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा माइनस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट अब यहां पर डिविडेंड है जो कि फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल है इसे लिखते हैं माइनस रिमेंडर माइनस रिमेंडर यहाँ पर रिमेंडर है एक्स प्लस से तो जब माइनस करेंगे माइनस का साइन आएगा तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा एक्स भी माइनस और ए भी माइनस क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगाएंगे तो ये एक्स भी माइनस हो जाएगा ए भी माइनस हो जाएगा इक्वल टू डिवाइज़र डिवाइज़र है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के ये डिवाइजर है इन टू कोशेंट कोशेंट यहाँ पर क्यू एक्स हम मान लेते हैं तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये जो पॉलिनोमियल है डिग्री टू की पॉलिनोमियल जो कि डिवाइजर है ये इस तरफ आकर इसको डिवाइड करेगा इस तरफ माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स और टेन माइनस से ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगी और ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के इस तरफ आकर इसको डिवाइड करेगा इक्वल टू क्यू एक्स ये रिजल्ट वन है इसमें ये पॉलिनोमियल अब इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड हो रही है जिसमें रिमेंडर अब मानकर चला जाएगा कि यहाँ पर जीरो होगा इस क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड कर रही है तभी ये यह क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है नाउ लेट अस डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के यहाँ पर डिविडेंट जो कि डिग्री फोर में है तो एक्स स्क्वायर पहली टर्म देखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स फोर तो हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये एक्स स्क्वायर से एक्स रेस टू पार फोर बने तो एक्स स्क्वायर से इस पॉल पूरी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर अब साइन चेंज करते हैं प्लस से माइनस माइनस से प्लस प्लस से माइनस तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस टू ये बनेगा माइनस फोर एक्स क्यूब यहाँ पर एक्स एक्सक्वायर कॉमन आएगा सिक्सटीन माइनस के ब्रैकेट के अंदर रहेगा इसको ध्यान से देखना है एक्स स्क्वायर कॉमन आया है सिक्सटीन माइनस के ये ब्रैकेट में रहेगा ऊपर से माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स एक्स को नीचे लेकर आएंगे अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस फोर एक्स क्यूब तो माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस फोर एक्स क्यूब यहाँ पर प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस फोर के एक्स साइन बदले जाएंगे प्लस माइनस प्लस तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ फिर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है तो ब्रैकेट में बचेगा सिक्सटीन माइनस एट एट माइनस के इसको ध्यान से समझना है एक्सक्वायर कॉमन आया तो सिक्सटीन माइनस के माइनस एट तो सिक्सटीन माइनस एट एट आएगा माइनस के और ये ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स प्लस फोर के एक्स तो एक्स कॉमन आएगा यहाँ पर माइनस साइन भी कॉमन लेते हैं तो एक्स कॉमन आ गया यहाँ पर माइनस भी कॉमन लेते हैं तो ये 26 प्लस का हो गया फोर के माइनस का हो गया ये फोर के प्लस का था वो माइनस का हो गया अब प्लस टेन माइनस ए ये टेन माइनस ए एक ही टर्म मानी जाएगी दोनों ही कांस्टेंट हैं क्योंकि ये एक ही फॉर्म में है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ एट माइनस के एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरी पॉलिन को मल्टीप्लाई करेंगे एट माइनस के के साथ तो एट माइनस के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एट माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस अब एट माइनस के को माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा सिक्सटीन माइनस टू के एक्स बाहर रहेगा एट माइनस के को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया गया एक्स को बाहर ही रखना है तो ये बन जाएगा सिक्सटीन माइनस टू के माइनस का साइन बाहर रहेगा इसके बाद प्लस एट माइनस के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एट के माइनस के स्क्वायर एट माइनस के इंटू के के इंटू एट एट के के इंटू के के स्क्वायर अब साइन बदले जाएंगे प्लस है माइनस माइनस है प्लस प्लस है माइनस ये सेम है कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर x कॉमन आएगा अब यहाँ पर माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्सटीन यानी कि माइनस टेन बचेगा माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्सटीन माइनस टेन माइनस माइनस प्लस प्लस फोर के प्लस माइनस 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 टू के प्लस फोर के माइनस टू के प्लस टू के प्लस यहां पर अब यह जो है ये एज इट इज लिखा जाएगा टेन माइनस ए क्योंकि यहां पर लाइक like टर्म्स नहीं है टेन माइनस ए माइनस एट के यह माइनस साइन अंदर जाएगा माइनस एट के और ये माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर तो यहां पर अब हम देखेंगे कि इसकी डिग्री टू है इसकी डिग्री वन है तो ये डिवीज़न यहीं पर खत्म हो जाएगी ये जो बचा है ये रिमाइंडर है अब इक्वेशन नंबर वन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने बताया था कि ये पूरी तरह से ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के इस डिविडेंट को पूरी तरह से डिवाइड करता है तभी उसमें कोशेंट आता है और रिमाइंडर ज़ीरो रहता है तो ये रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो गया यानी कि इसको अब हम इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं फ्रॉम वन X four minus six x cube plus sixteen x square minus twenty six x plus ten minus a will be perfectly divisible by x square minus two x plus k. विच इम्प्लाईज़ रिमेंडर शुड बी ज़ीरो रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए रिमाइंडर ज़ीरो होने का मतलब कि ये पूरी इक्वेशन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी प्लस टेन माइनस ए माइनस एट के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं माइनस टेन प्लस टू के एक्स प्लस टेन माइनस से माइनस एट के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो ये रिमाइंडर है और रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए फ्रॉम वन तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ज़ीरो एक्स प्लस ज़ीरो कंपैरिजन करने के लिए एक्स का कोफिशियंट एक्स का कोफिशेंट तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं माइनस टेन प्लस टू के इक्वल टू ज़ीरो एक्स का कोफिशेंट एक्स का कोफिशेंट दोनों सेम होने चाहिए तो इक्वल टू ये ज़ीरो आएगा टू के इक्वल टू टेन टेन इस तरफ आ जाएगा के इक्वल टू टेन अपॉन टू के इक्वल टू फाइव तो ये के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी के इक्वल टू फाइव अब इसको कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म के इक्वल टेन माइनस ए माइनस एट के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो के की वैल्यू जो फाइव आई है वो इसमें पुट put करेंगे पुटिंग के इक्वल टू फाइव 10 minus a minus 8 into 5 plus 5 square equal to 0 10 minus a minus 40 plus 25 minus a minus 40 plus 35 10 plus 25 35 माइनस ए माइनस फाइव माइनस फोर्टी प्लस थर्टी फाइव माइनस फाइव होता है तो माइनस ए इक्वल टू फाइव या फिर ए इक्वल टू माइनस फाइव ये माइनस ए इक्वल टू फाइव आए हैं अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ए इक्वल टू माइनस फाइव तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव हैं K equal to five and a equal to minus five. तो इस तरह से ये k और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी